बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन रही अलैक्म डियर स्टूडेंट्स इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ सेट्स को रिकॉल करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री एंड सो ऑन होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो होल नंबर्स का सेट बनता है जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स अब स्टूडेंट्स रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और पी और क्यू दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ़ इंटीजर्स को और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन ज़रूरी है अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड केस बन जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल टू बाय थ्री फोर बाय सेवन आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स एंड दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड इ रैशनल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल स्क्र रूट टू स्क्र रूट फाइव ऐसी जितनी भी वैल्यूज जो स्क्ोयर रूट्स में हों जिनका स्क्र रूट होल नंबर में ना आ रहा हो उन वैल्यूज का स्क्वायर रूट हम फाइंड करें तो रिमाइंडर जीरो कभी भी नहीं आएगा तो ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं इसके अलावा पाए एक कांस्टेंट वैल्यू है ये भी इरेशनल नंबर कहलाती है तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन को आप डिस्कस करते हैं द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इ रैशनल नंबर्स इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर दैट इज आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश क्यू डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को और क्यू डैश इेशनल नंबर्स को तो इट मीन्स के रियल नंबर्स का सेट सब से बड़ा सेट होता है जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करें तो सेट ऑफ़ रियल नंबर्स बनता है और रेशनल नंबर्स में तमाम के तमाम नंबर्स शामिल हैं कोई भी नेचुरल नंबर हो होल नंबर हो या कोई भी इंटीजर हो वो रेशनल नंबर कहलाता है तो रियल नंबर्स सुपर सेट होगा तमाम सेट ऑफ नंबर्स का और बाकी के तमाम सेट्स सबसेट होंगे रियल नंबर्स का अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझते हैं द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देर आर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल टू ओवर फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर अब इस एग्जाम्पल पे गौर करें डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है तो काउंटेबल है फिनिट नंबर ऑफ़ डिजिट्स एंड डेसिमल पार्ट में इसलिए टू बाय फाइव टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी एंड थ्री ओवर एट इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ़ डिजिट्स थ्री हैं ये भी फिनिट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसे हम डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए शेंट बेशक डेसिमल में आए लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में काउंटेबल हो फिनिट हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है जी स्टूडेंट्स अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं द डेसीमल फ्रैक्शन इन विच देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसीमल पार्ट इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल फ्रैक्शन ऐसी डेसीमल फ्रैक्शन जिसके डेसीमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल ना हो इन्फिनिट मीन्स के हम उन डिजिट्स को काउंट ना कर सकते हो मीन्स कि ऐसी फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा तो ऐसी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल फ्रैक्शन कहलाती हैं अब रिकरिंग डेसीमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझते हैं द डेसीमल फ्रैक्शन इन विच डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसीमल पार्ट इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसीमल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल पार्ट में होंगे वो इनफिनिट होंगे लेकिन डिफरेंस ये है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल पार्ट में होंगे वो सेम होंगे और सेम ऑर्डर से रिपीट होते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल टू बाय नाइन इसको अगर हम डिवाइड करें तो रिजल्ट जीरो पॉइंट टू 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 एंड सो ऑन ये टू रिपीट होता जाएगा इसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा तो ये टू जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है सिमिलरली फोर बाय अलेवन को डिवाइड करें तो ज़ीरो पॉइंट थ्री सिक्स थ्री सिक्स एंड सो ऑन तो यहाँ पे भी थ्री सिक्स रिपीट होता जाएगा और इसी ऑर्डर में रिपीट होगा यहाँ पे डेसिमल पार्ट में जो डिजिट है वो एक डिजिट रिपीट हो रहा है और इस डिवीज़न में जब हमने ये डिवीज़न की तो डेसिमल फ्रैक्शन में दो डिजिट्स हैं थ्री सिक्स जो रिपीट होते जा रहे हैं तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जिन में नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में रिपीट होते जाएं सेम ऑर्डर में वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं जी स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज टू पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इेशनल अब फर्स्ट पार्ट में स्क्वेयर रूट थ्री है स्क्वेयर रूट थ्री को आप सॉल्व करें तो इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा यानी इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स इनफिनिट होंगे तो अंडर रूट थ्री को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते लिहाजा ये इरेशनल नंबर होगा वन ओवर सिक्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है इसलिए ये रेशनल नंबर होगा पाए हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया इेशनल होता है देन फिफ्टीन ओवर टू पी ओवर क्यू की फॉर्म में है लिहाजा ये रेशनल नंबर होगा सेवन पॉइंट टू फाइव सेवन पॉइंट टू फाइव को आप डेसिमल इसका रिमूव करें तो 725 ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड आ जाएगा ये 725 ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड अब इसकी कटिंग कर लें फाइव के टेबल में कटिंग होगी फाइव टू जार टेन फाइव जीरो फाइव वन जार फाइव टू कैरी हुआ फाइव फोर जार ट्वेंटी फिर टू कैरी हुआ ट्वेंटी फाइव 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 ट्वेंटी फाइव अभी दोबारा फाइव के टेबल में इसकी कटिंग हो रही है फाइव फोर हजार ट्वेंटी फाइव टू जार टेन फोर कैरी हुआ फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव तो ये फ्रैक्शन ट्वेंटी नाइन ओवर फोर आ गई अब सेवन पॉइंट टू फाइव को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो p ओवर q की फॉर्म में आ गया लिहाजा सेवन पॉइंट टू फाइव भी रैशनल होगा क्योंकि इसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन का स्क्वेयर रूट भी आप सॉल्व करें तो इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स इनफिनिट होंगे तो इसको भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते लिहाजा ये भी इरेशनल नंबर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट है टू बाय थ्री इज एन इेशनल नंबर ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज टू बाय थ्री पी ओवर क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो ये रैशनल नंबर है पाए इज एन इेशनल नंबर यह स्टेटमेंट ट्रू है वन ओवर नाइन इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी क्योंकि वन को नाइन पे डिवाइड करें तो रिजल्ट जीरो पॉइंट वन 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 सो ऑन तो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है सेम ऑर्डर के साथ तो ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी थ्री बाय फोर इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ये स्टेटमेंट ट्रू है थ्री बाई फोर को जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव आएगा और जीरो पॉइंट सेवन फाइव के डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फिनिट हैं तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है फोर बाय फाइव इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि फोर को फाइव पे डिवाइड करें तो रिजल्ट जीरो पॉइंट एट आता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल हैं फिनिट हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन अब स्टूडेंट्स जब भी आपने किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लाइन पे आपने इंटीजर्स मार्क कर लेने हैं इक्वल इंटरवल्स के साथ सेंटर में जीरो लिखेंगे राइट right साइड पे जीरो के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और लेफ्ट साइड पे तमाम नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और ये बोथ साइड्स पे एरोस का मतलब है कि ये नंबर्स जितना चाहें हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अब जिस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे शो करना है वो टू ओवर थ्री है अब टू ओवर थ्री वन से स्मॉलर है क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से जिससे हमें यह पता चला कि यह वैल्यू वन से स्मॉलर है पॉजिटिव वैल्यू है लिहाजा ये जीरो और वन के दरमियान लाए करेगी अब डिनिनेटर इसका चूंकि थ्री है तो जीरो और वन के इन बिटवीन आपने इक्वल थ्री पार्ट कर लेने हैं जीरो बाय थ्री वन बाय थ्री टू बाय थ्री एंड थ्री बाय थ्री जीरो बाय थ्री जीरो होता है और थ्री बाय थ्री वन होता है तो ये हमने जीरो और वन के दरमियान तीन पार्टस कर लिए तो डेफिनेटली ये टू बाय थ्री को हमने मार्क करना है इसको आपने मार्क करके शो कर देना है कि दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू रिप्रेजेंट अब सेकंड पार्ट है माइनस फोर बाय फाइव अब चूंकि वैल्यू नेगेटिव है तो लेस देन जीरो है और फोर छोटा है फाइव से लिहाजा माइनस फोर बाय फाइव लाइज बिटवीन जीरो एंड माइनस वन अब इसका डिनोमिनेटर चूंकि फाइव है तो जीरो और माइनस वन को हमने पांच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जीरो बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव एंड दिस इज माइनस फाइव बाय फाइव तो ये माइनस फोर बाय फाइव को मार्क कर देंगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का टू होल नंबर थ्री ओवर फोर अब टू होल नंबर है इट मीन्स के वैल्यू टू से ग्रेटर है और थ्री से स्मॉलर है तो ये टू और थ्री के बिटवीन लाई करेगी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं टू प्लस थ्री ओवर फोर तो अब ये टू से आगे मार्क होना है नंबर तो टू के बाद आपने इस एक पार्ट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है वन टू थ्री फोर ये टू होल नंबर जीरो बाय फोर है तो ये वैल्यू टू आ जाएगी ये टू होल नंबर वन बाय फोर टू होल नंबर टू बाय फोर टू होल नंबर थ्री बाय फोर एंड दिस इज़ टू होल नंबर फोर बाय फोर जब यहाँ फोर बाय फोर हम बात करेंगे तो वो वन हो जाएगा तो टू प्लस वन थ्री आ गया तो हमने टू होल नंबर थ्री बाय फोर को शो करना है नंबर लाइन पे इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया तो दिस इज़ टू होल नंबर थ्री ओवर फोर तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट फोर क्वेश्चन सॉल्व किए जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़